ये रमशा इतनी रात में भाईजान से क्या बातें कर रही है? शानी, तुम्हें किसने कहा था कासिम साहब के घर जाने की? क्या जरूरत थी वहां जाने की और जाके बकवास करने की? हाँ तो कुछ गलत नहीं किया मैंने, बिल्कुल सही किया। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना तुम्हें। तब जाके तुझे समझ आएगी कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसी देखिए कासिम साहब की, अरे औकात क्या है तेरी? कान खोल के मेरी बात सुन। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कासिम साहब के घर जाते देखा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। जानते हो आज तुम्हारी वजह से किस कदर जलालत सही है मैंने, कितनी बातें सुनी है उनकी मैंने। हाँ तो किसने कहा था कि उनकी बातें सुने? अगर वो सेठ होंगे तो अपने घर पे होंगे। हमें उनके आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे समझाओ अपने बेटे को, बताओ उसे, जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। औकात क्या है तुम्हारे बेटे की? दुनिया के अलिफ पे का पता नहीं है। चले हैं अफलातून बनने, अच्छा ना आप गुस्सा ना करें, मैं समझा दूंगी इसे। समझाओ अपने बेटे को वरना मैं इसे अपनी जुबान से समझाऊंगा। अरे जो बात मीठी जुबान से हल हो सकती है वो इस बगैरत ने अपने इस्तेमाल से सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। समझाओ अपनी औलाद को, अगर मैंने अपने तरीके से समझाया ना तो बर्दाश्त नहीं होगा इसे। अच्छा आप प्लीज जाएं यहां से, सामने देखते रहेंगे तो गुस्सा ही आएगा ना। पैसे लेने के लिए आया हूं, ये मेरे साथ जाएगी। देखो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारे वालदेन को बुलाया था, उन्हें लेकर आओ, रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये मेरी मंगेतर है और ये मेरे साथ जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तुम सीधी तरह चलती हो या मैं तुम्हें सीट के लेके जाऊं यहां से? बरखुरदार, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही, मैंने तुमसे कहा रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कासिम साहब मैंने भी आपको कह दिया है कि ये अभी इसी वक्त मेरे साथ यहां से जाएगी। क्या चाहते हो तुम, खुद जाओ या गार्ड्स को बुलाऊं मैं? आप ठीक नहीं कर रहे,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मैं आप पे केस करूंगा। बड़ी अम्मी के कत्ल का, इसके अगवा का। कुछ डर लगता है, मुझे नहीं जाना वहां। डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया। सोचता हूं अल्लाह ने यतामा और मसाकीन के हुस्न सलूक के लिए कितने इनामात रखे हैं। बेवकूफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तिजारत करने की बजाय माल की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की से दूर रहना, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुमने इतनी घटिया हरकत की उसके साथ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं यार, तो लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए। ये इंसान एक हरासर है, एक मजबूर लाचार लड़की की बेबसी का फायदा उठाया है इसने, उसे हरास किया। शर्म आ रही है मुझे तुझे आज अपना दोस्त कहते। अरे तेरे जैसे घटिया इंसान को तो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। वो कोई तुम्हारी महबूबा है जो तुम उसकी वजह से अपने दोस्त को जलील कर रहे हो? घटिया तो तुम हो जो बीवी के घर में होते हुए भी एक बाहर वाली के साथ ऐश कर रहे हो। हर इंसान तुम्हारी तरह का बदकिरदार नहीं होता है। ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात है, ना ही उसका दामन नापाक है। और आज के बाद अगर तू मुझे रमशा के करीब भी नजर आया ना, तो जान ले लूंगा तेरी। समझ गए?